हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निजा व्लॉग। और हमारी हो चुकी है गुड मॉर्निंग। और पापा हमारे लिए कुछ लेकर आए थे, तो मुझे वो आप सबके साथ शेयर करना है, बट मैं कल नहीं कर पाई क्योंकि कल फ्राइडे था और बहुत बिजी डे था हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा। और कल मैं शॉपिंग पे भी चली गई थी तो मैं नहीं कर पाई, बट मैं अभी आपके साथ कुछ शेयर करूँगी। तब तक मैं हो जाती हूँ फ्रेश क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है, बट मैं सो नहीं सकती क्योंकि अगर मैं सो जाऊंगी तो फिर मुझे फिर रात को नींद नहीं आएगी। तो मैं हो जाती हूँ फ्रेश और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। अम्मी को नाश्ता देना है और उनके साथ नाश्ता करना है, तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तब तक ज़किया भी शायद उठ जाए क्योंकि आज उसकी छुट्टी है सेकेंड फ्राइडे की वजह से, वो सॉरी सेकेंड सैटरडे की वजह से। और मैं आपसे मिलती हूँ फ्रेश होकर। तो गाइस, ये चला रही है लैपटॉप। सो वेलकम बैक। और यही था जो हम आपके साथ शेयर करने वाले थे। पापा लेकर आए हमारे लिए लैपटॉप, मतलब हम दोनों बहनों के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं हम लैपटॉप सीखें तो हमारे पास कोई बहाना ना हो। अभी हम तो सीख रहे हैं टाइपिंग, इसमें से सीखते हैं टाइपिंग सीख रहे हैं तो हमारे पास कोई बहाना ना हो, इसलिए उन्होंने हमारे लिए पहले ये ला दिया। और कल हम इतने एक्साइटेड थे इसको देखकर कि हमने इसकी जब ओपनिंग की तो हमने वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट कोई नहीं, आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू है। और वो लेकर आए हैं हमारे लिए और अब हम ये सीखेंगे। और आप क्या कहना चाहती हैं, आप मुझे यहाँ क्यों परेशान करना है? वो नाश्ता बनाओ, बाद में करना है। देखा, ऐसी बहनें होती हैं चल रहे हैं जो अपनी बहनों को काम नहीं करने देती। कुछ तो करती नहीं है और मुझे भी नहीं करने देती। चलो कोई नहीं, मैं इसके लिए अभी नाश्ता बना देती हूँ। तो आप बैठे यहाँ पर, मैं नाश्ता बनाती हूँ, ठीक है? या पहले नाश्ता ही करना है? नाश्ता। देखा, नाश्ता पहले। चलिए मिलते हैं। सो गाइस, ये बना रही है, क्या बना रही है? पराठा, आलू का पराठा, जो मैंने इनसे कहा था और इन्हें कुछ नहीं आता। मुझे ये बना रही है आलू का पराठा, इन्हें कुछ नहीं। मुझे मैंने उस दिन चाय पनीर बनाया था ना, मुझे शाही पनीर भी आता है। और मुझे क्या क्या आता है? अम्मी, तुझे तो जितनी दुनिया की डिश है सब तुझे आती है। मुझे शाही पनीर भी आता है और भी आता है। फटेगा नहीं क्योंकि ये मैं बनाऊंगी। ये बना रही थे क्या थे मुँह में लिए। बड़ा बनाओ, बड़ा इतना से क्या होगा? ओह, तो दो बना दूंगी मैं। हाँ, बड़ा। सो अब ये बना रही हैं। अब ये बन गया है। दो बना देती हूँ, ठीक है? किस किस को परांठे बनाने आते हैं और सिंगल लेयर में किस किस को आते हैं? सी ऐसे मुझे आते हैं, बताएं कमेंट सेक्शन में। मैं तो हलवा बना लिया। हलवा नहीं बनाया। हलवा तो शाम में बनेगा, टी टाइम पर। कौन सा वाला? सूजी का। निशा जी बनाएंगी ना वो वाला? मत बना दियो, हटा रही है अपना हलवा रीटा वाला। ओके, अब ऐसा भी नहीं, नमक डाल देगा भी चीनी की जगह। हाँ, तो मेरा नाम ना माधुरी को देख कर रखा गया, रीटा नहीं है मेरा नाम, ठीक है? अरे रीटा वाला बना दे कभी तो धोखे से वो डाल दे। मेरा पराठा दिखाया जाए, उनका पराठा देखो तो एक बार और बेलते हुए दिखा दिया जाए, कहीं लोगों को लगे कि मुझसे एक ही अच्छा बेलता है। बस इन्हें यही आता है और बाकी तम्मी से पूछ पूछ के करती हैं। तो पराठा बनाना हर किसी के बस की बात थोड़ी ना है। फटे नहीं कहती कि तुझे आता है सब कुछ, तो सिखाते हैं तो बोल लेती। मुझे तो आता ही है, मुझे तो शाही पनीर आ गया, बिरयानी भी तो आ गई मुझे शायद। अच्छा, बिरयानी भी आ गई आपको? सो ये बन चुके हैं। सो अब हम मिलते हैं। सो गाइस, ये बना रही है हलवा। हलवा अभी क्या कर रही है? हलवा बना रही हूँ मैं। अभी तो सूजी भून रही है और ये दो चोटी बांध के स्कूल जाएंगी सुबह को।
ठंडा वाले दिन और ये बन रहा है सूजी भुन जाएगी, कितनी देर लगेगी। अब इसमें डालेगा क्या डालेगा, घी। घी मैंने ऐड कर दिया इसमें, भुन रही है ये। अब आपके डालेगी शुगर। सो अपने मतलब अकॉर्डिंग ले रहे जितना आपके जितना आप खाते हैं मीठा उतना। तो इसे क्या हो बॉईल होने दे, तब तक ये अपनी चाय बना ले। मैंने तो पी ली। हाँ और पानी में ऐड करनी है सूजी, देख सकते हैं इसे चम्मच। इसके साथ हम कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करते हैं। हमने कम डालेंगे क्योंकि हम कम ही खाते हैं, खीर में ज़्यादा पसंद है हमें। हलवे हलवे में हम कम ही खाते हैं, गोला भी नहीं डाला हमने क्योंकि हमें गोला भी नहीं पसंद, आई डोंट लाइक। और तो मैं चाय बना लूँ। सो गाइस बना तो रही थी निशा, निशा वाला हलवा बन गया ये रीटा वाला हलवा। अच्छा अच्छा अच्छा, अम्मी खा के बताएंगे, अम्मी कहेंगे अरे हटा रही अपना हलवा। अरे अम्मी को पहले टेस्ट कराने दे, पहले पहले से पहले पुल बांध ले तू। अम्मी तुम यही तो कहोगे हटा रही अपना हलवा। 100 में से 100 नंबर देंगे अम्मी मुझे, अपने बन पे ना रहोगी कुछ नहीं। अम्मी यही कहेंगी क्योंकि मुझे लग रहा है इस हलवे के अनुसार। क्यों अच्छा तो है, अच्छा तो है। अम्मी क्या कहोगे तुम, इधर आओ मैं चाय को पानी चलाना हमें जरा सी। अम्मी क्या कहोगे निशा को तुम, क्या कहूँ बस अभी कुछ रखा है इसने अच्छा ही बने और कम लगे। हमने अभी एक एक चम्मच घी डाल दिया था, दोबारा डाला है तो घी ज्यादा डाले। हाँ, पहले घी ऐड करा था इसमें ऑलरेडी तीन, अब तुम्हारे तुमने जो ऐड किया तो 3 चम्मच घी ऐड हो चुका है, वो भी देसी, और हम तब भी कुछ नहीं लग रहा है। बस इसका ढक्कन ढक दे, दो मिनट बाद ये 2 मिनट बाद जब तक चाय बनेगी हमारा अभी तैयार हो जाएगा। तो 2 मिनट का टाइम है बस बस, मेरे हलवे की लाज रख लेना ऊपर वाले। हाई फ्लेम क्या, हाई फ्लो हो जाएगा तैयार। चलो हम अम्मी जब सर्व करेंगे, अम्मी से नंबर लेंगे तब हम आपको दिखाएंगे, तब तक चाय भी बन गया। मैं भी शूट कर, मैं ही शूट करूंगी क्या है कौन सा वाला लो बना निशा वाला या रीटा वाला, मुझे शट अप अच्छा ही बना। ओके गाइस हमारा हलवा रेडी हो चुका है और सी अम्मी कर रही है इसको प्लेट आउट। पापा के लिए स्पेशल हलवा क्योंकि पापा की बेटी को पापा ने लैपटॉप ला कर दिया है, तो मैंने उनके लिए हलवा बनाया। मुझे नहीं आता कुछ भी बनाना अच्छे से, बट अभी टेस्ट अम्मी करेंगी, पापा तो नहीं करेंगे, अम्मी करेंगी और मुझे नंबर मिलेंगे, और जब मुझे नंबर मिलेंगे तो मुझे कुछ मिलेगा, काश मिल जाए। पर ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने होगा जो मेरे हैं। खैर पहले मैं कर लेती हूँ प्लेट आउट इसको और अम्मी के पास लेकर चलते हैं, जब वो नंबर देंगी तो फिर देखते हैं। सो गाइस अम्मी कर रही है टेस्ट और अब हम देखते हैं। चलो अम्मी टेस्ट करो, बताओ। बढ़िया जैसा हम बना गए, रीटा वाला निशा वाला अच्छा। चलो अच्छा बना, क्या मिलेगा कल घूमने चलेंगे। जोर से कह दो ये बात, कल घूमने चलेंगे बाहर और लंच भी। देखा गाइस
तो अब मम्मी ने कह दिया, मैंने उनको हलवा बनाकर दिया है क्योंकि जकिया ने मुझे चैलेंज किया था कि तुम मम्मी जैसा हलवा नहीं बनाती। अम्मी जैसा तो नहीं बना होगा लेकिन अम्मी ने अच्छा बताया तो ठीक है, अच्छा है। और हम इस ब्लॉग को कर रहे हैं एंड, और यह हलवा मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि पापा लैपटॉप लेकर आए थे उसी खुशी में और मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। और हम कल मिलेंगे, जैसे अम्मी ने कहा है कि कल घूमने चलेंगे, कल का व्लॉग आएगा इंशाल्लाह। तो फिर हम मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बाय कर अच्छा अल्लाह हाफिज़ तो ये था।